तो आज हम बनाने वाले हैं मलाईदार केक। जी हाँ, केक तो हमने बहुत खाए होंगे, लेकिन मलाई के साथ, मतलब कि रबड़ी के कॉम्बिनेशन के साथ जो केक बनाया जाता है ना, बहुत ही अमेजिंग होता है। आज का जो केक है वो हम बिना ओवन के बनाने वाले हैं, हम इसमें एग भी यूज नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ रिजल्ट इतना परफेक्ट मिलेगा, बिल्कुल भी कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों के साथ हम ये रबड़ी केक बनाने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका। तो अगर आपने अभी तक रबड़ी केक नहीं बनाया है तो चलिए मेरे साथ बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, हैव अ लुक। तो आ गया ना आप सबके मुंह में पानी। जी हाँ, ये केक बनाने के लिए डोंट वरी, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल भी आपके घर में अवेलेबल हैं। जी हाँ, शर्त लगा लीजिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, यमी यमी केक। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। आज की रेसिपी क्या है वो आप सबको पता ही है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं बताऊंगी, प्लीज उन्हें फॉलो कीजिएगा परफेक्ट रेसिपी के। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी हो मलाई, मतलब कि रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 कप के करीब फुल फैट मिल्क। ये बॉईल किया हुआ मिल्क है, इसके साथ मैंने जो इसके ऊपर मलाई जमी थी वो भी मैंने इसके साथ अंदर ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो मलाई जब हम दूध के अंदर ऐड कर देते हैं तो हमें कम टाइम में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ये तो आपको पता ही है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना पड़ता है दूध को, तो यही मैंने किया है। चलिए अब केक बना लेते हैं। ये मैंने दोनों प्रोसेस पैरेलली रखा है ताकि हमारा काम साथ में हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1/4 कप के करीब ऑयल। जी हाँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें फ्लेवर ना हो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल में बहुत फ्लेवर होती है, तो वो आपको यूज़ नहीं करना है। तो आप में से कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि हमें ऑयल नहीं लेना चाहिए, बटर लेना चाहिए, लेकिन आपको केक जब भी बनाना है तो आप हाफ ऑयल हाफ बटर ले सकते हैं, लेकिन ऑयल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल यूज़ करने से होता ये है कि आपका जो केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि ऑयल कभी भी फ्रिज में जमता नहीं है, ये चीज़ आपको पता होगी, इसीलिए हमें ऑयल का इस्तेमाल करना इसमें ज़रूरी है। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब शुगर पाउडर, ठीक है। तो चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था सिंपली, और वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब आपको यहाँ पर ये मिक्सचर जो है ऑयल और चीनी का, वो बहुत ड्राई लग रहा होगा, तो बस इसे सिंपली आपको मिक्स करना है। इसे और ज़्यादा आपको मिलाना नहीं है, कोई फोमी टेक्सचर नहीं चाहिए इस स्टेज पे हमें। हमें इसमें ऐड करना है 1/2 कप के करीब दही। ये फ्रेश दही है घर का, और दही या फिर विनेगर या फिर नींबू, ये चीज़ें डालना केक में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं डालते हैं तो जब हम इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर डालेंगे तो वो उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको खट्टी चीज़ डालना इसीलिए ज़रूरी है, लेकिन खट्टी चीज़ों में आपको सिर्फ नींबू, विनेगर या फिर दही का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, एकदम स्ट्रिंगी टेक्सचर इसका आपको मिल गया है, ऐसा ही चाहिए हमें स्टेज पे। अब हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो विस्कर मेरे हाथ में है वो हमें इसी स्टेज तक यूज़ करना है, आगे की प्रोसेस में हमें इसे यूज़ नहीं करना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ओवर वर्क या ओवर मिक्स कर देते हैं तो हमारी जो केक होती है वो परफेक्टली राइज नहीं हो पाती है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने बोल के ऊपर एक छलनी रख दी है, उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप के करीब मैदा, ठीक है। आप हाफ मैदा हाफ गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ मैंने लिया है 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, और 1/2 चम्मच के करीब मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। जी हाँ, दोनों अलग चीज़ें हैं और ये दोनों ही इसी प्रोपोर्शन में डालना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग सोडा आपको कम लेना है और बेकिंग पाउडर आपको ज़्यादा लेना है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इस चम्मच से नापे तो भी सेम मेजरमेंट रहेगा। अब इन सबको हम इस तरीके से छान लेंगे। तो यहाँ पर आप सेकेंड मिस्टेक ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि सिंपली आपको इसमें ऐड नहीं करना है। ये छानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे एक एरेशन बनता है डो में, जो भी बैटर हम बनाएंगे उसमें अच्छा एरेशन आने के लिए इसे इस तरीके से छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आगे की जो प्रोसेस है वो स्पैचुला की मदद से करेंगे, या फिर कोई चम्मच ले सकते हैं आप, और इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड में ही आपको इसे मिक्स करना है। आपको इसे विस्क नहीं करना है, ना ही आपको इसे सिंपली मिक्स करना है, आपको इसे कट एंड फोल्ड मेथड में ही यूज़ करना है।
ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बाकी का मैदा डालेंगे इसमें, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी लिक्विड नहीं डाला है, जो जैसे कि आपने देखा। तो यहाँ पर हाफ कप मैदा मैंने और ले लिया है। अगर ये मैदा मैंने साथ में डाल दिया होता तो क्या होता कि ये ओवरवर्क हो जाता, ओवर मिक्स हो जाता, इसकी वजह से केक जो है अच्छे से राइज नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने पहले मैंने एक कप मैदा डाला है, उसके बाद मैंने हाफ कप मैदा इसमें ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप के करीब दूध। तो दूध यहाँ पर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लिया है। थोड़ा थोड़ा हम करके इसमें ऐड करेंगे और हमें बनानी है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी कैसे पता चलेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम दूध के साथ बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सिंपली आपको कट एंड फोल्ड मेथड का ही इस्तेमाल करना है। आप देखिए यहाँ पर ये टूट टूट के गिर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी सही नहीं है, थोड़ा सा थिक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है और इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे दोबारा से। अच्छे से मिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आपने कंसिस्टेंसी इसकी थिक रखी तो होगा ये कि आपका जो केक है वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगा, बहुत ज्यादा ड्राई बन जाएगा। तो यहाँ पर केक के बैटर की कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है रिबन की तरह, जैसे एकदम अच्छे से फ्लो हो रहा है, अच्छे से नीचे गिर रहा है, बस वैसी कंसिस्टेंसी रख लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपली ये मिक्स हो गया है, इसे ज़्यादा मिक्स हम नहीं करेंगे। याद रखना है आपको कि आपको मैदा ऐड करने के बाद में डो को ओवरवर्क नहीं करना है। ध्यान रखना है कि केक बैटर को हमें बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए छोड़ना नहीं है। जब भी हम सूजी यूज करते हैं तब हमें रेस्ट देना जरूरी होता है बैटर को। अब हम टिन रेडी कर लेते हैं। सिंपली मैंने ऑयल डाल दिया है टिन में और इसे इस तरीके से साइड्स के साथ हम स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि इसके बॉटम के साथ साथ इसके साइड्स में भी ऑयल अच्छे से लगना चाहिए। यार सूखा मैदा लिया है मैंने और इसे इस तरीके से आप डस्ट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो सूखा मैदा है वो इसकी साइड्स पे भी अच्छे से लग जाए। अब हमें इसे इसके अंदर सिंपली बैटर को पॉर करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि बैटर आपको इसमें हाफ या हाफ से कम ही भरना होगा। अगर आपने हाफ से थोड़ा भी ज्यादा भर दिया तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो केक है वो अच्छे से राइज नहीं होगी, डी शेप हो सकती है या फिर प्रॉपर जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे हाफ से थोड़ा सा कम भरा है। मैंने सिंपली प्री हीटेड कढ़ाई में मैंने इसे रख दिया। अब कढ़ाई के नीचे बॉटम में आप चाहें तो नमक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली है सैंड स्टरलाइज की हुई, उसके ऊपर स्टैंड रखा है और सिंपली मैंने केक बैटर के ऊपर थोड़े से बादाम और पिस्ता इस तरीके से ऐड कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा कि आप फुल्ली कवर अच्छे से करें, जैसे कि वो छेद दिख रहा है आपको वहाँ पर भी मैंने उसे पूरा अच्छे से कवर कर दिया है, सील कर दिया है। अब आपको ध्यान ये रखना है लगभग 30 मिनट्स तक आपको केक को छूना भी नहीं है, ढक्कन बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो आपकी अच्छे से राइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, लो फ्लेम पे एटलीस्ट 30 मिनट तक आप इसे कंटिन्यू रखिए। अब हम मुड़ते हैं रबड़ी की तरफ। तो रबड़ी जो है बॉयल हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दी है शुगर 2 बड़े चम्मच के करीब और कुछ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए इसके अंदर और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई, गाढ़ी भी हो गई काफ़ी, लेकिन अभी उतनी नहीं हुई है जितनी हमें चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर आप केक बैटर में भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे लगभग इसको बेक होते हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बार चेक कर लूँगी। 40 मिनट्स तक मैंने सिर्फ इसे ऊपर से देखा है, बिल्कुल भी इसे मैंने ढक्कन हटा के चेक नहीं किया है। तो 40 मिनट्स के बाद मैं इसे इस तरीके से नाइफ़ की मदद से चेक करूँगी। तो आप देख सकते हैं नाइफ में थोड़ा सा केक बैटर लग के आया है, तो मुझे लग रहा है ये अंदर से शायद थोड़ा सा कच्चा हो सकता है, इसलिए 5 से 6 मिनट के लिए इसे और बेक किया मैं। और 5 से 6 मिनट के बाद अब हम फिर से चेक करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। ये देखिए एकदम परफेक्ट नाइफ क्लीन आना चाहिए इसी तरीके से। तो समझ लीजिए कि आपका केक अंदर तक अच्छे से बेक हो चुका है, सिंपल है ना। उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसे ठंडा करने का प्रोसेस जो है नॉर्मल नहीं है, हमें क्या करना होगा, नीचे एक गीला जो है किचन टॉवल रखना होगा और उसके ऊपर हमें केक टिन रखना है और केक टिन के ऊपर हमें एक ड्राई किचन टॉवल रखना है इस तरीके से, और इसे आप नेचुरली ठंडा होने दीजिए किचन काउंटर टॉप के ऊपर ही।
ये प्रोसेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो केक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, चारों तरफ से सॉफ्ट रहती है, अंदर से तो हालांकि ऑलरेडी है वो सॉफ्ट, लेकिन कभी कभी ऊपर की सतह इसकी हार्ड हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम इससे बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि केक ने अपनी साइड्स वैसे ही ऑलरेडी छोड़ दी है, फिर भी हमें इसे थोड़ा सा नाइफ से इस तरीके से छुड़वाना होगा, अच्छे से ये निकल आ जाए, अच्छे से डीमोल्ड हो जाए इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हम करेंगे। हालांकि नीचे हमने बॉटम में अच्छे से ऑयल और डस्टिंग किया था, तो उस वजह से क्या होगा, ये आराम से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान इतना रखना है कि ये डब्बा जो है केक टिन ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस आपको करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे डीमोल्ड कर दिया है। ठीक है, सिंपली हमारा केक डीमोल्ड हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ब्यूटीफुल आया है, जबकि हमने इसमें कोई भी ऐसा कोई कलर नहीं डाला है। सिंपली आपके सामने मैंने इसे व्हाइट मैदे से बनाया था, बैटर भी पूरा व्हाइट था। ये होता है परफेक्ट केक बेक होने का रिजल्ट, कि कलर इतना परफेक्ट होना चाहिए, चारों तरफ से एक जैसा कलर होना चाहिए और अंदर से हमारी केक जो होगी वो बिल्कुल होगी व्हाइट। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली पैरेलली कट करेंगे। वो इसलिए करना है, आगे की प्रोसेस में बताती हूँ कि मलाई केक में होता ये है, अक्सर लोग इसके ऊपर मलाई को पॉर कर देते हैं, उससे क्या होता है कि आपका केक जो है सॉगी हो जाता है। तुरंत खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो बाद में हम उसे रख नहीं सकते। तो अगर आपको इसे सिंपल करना है तो मैं यहाँ पर आपको जो प्रोसेस बता रही हूँ उसे फॉलो कर लीजिए। केक को मैंने इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनी है केक में और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही यमी बना है। अगर आप इसे बिना रबड़ी के भी खाएंगे तो आई एम डैम श्योर आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, लेकिन रबड़ी बना ही ली है तो हम इसके ऊपर स्प्रेड भी कर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हम रबड़ी इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, ये देखिए परफेक्ट एकदम अच्छे से मोटी लेयर बनाएंगे ताकि इसमें एक सैंडविच वाली फीलिंग आए, हम जब भी केक का बाइट ले तो बीच में इसके अच्छा सा एक कहते हैं ना क्रीमीनेस जो है वो आएगी जब भी आप इसे बाइट करेंगे। तो अगर आपने ऊपर केक के ऊपर रबड़ी पॉर नहीं की ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अंदर भर भर के रबड़ी डाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है। दूसरा वाला लेयर हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो चलिए भाई, यहाँ तक की तो प्रोसेस एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गई है, अब फाइनली हमें इसे करना है कट खाने के लिए। तो हम इसे तुरंत कट करेंगे, ये देख लीजिए आप, मैं यहाँ पर इसे नाइफ से कट कर रही हूँ। कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है इसका पीस, मैं आपको अभी बताऊंगी कि अंदर से कितना परफेक्ट और कितना स्पॉन्जी बना है ये। ये देख लीजिए, हम यहाँ पर इसे एक सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। ठीक है, कितनी बढ़िया परफेक्ट जाली बनी है इसकी। तो वैसे तो ये सैंडविच फॉर्म में है ही, लेकिन फिर भी थोड़ी रबड़ी और है तो हम इसके ऊपर और पॉर कर देते हैं। यमी यमी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यही यमी यमी केक अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका। ना मिठाई की ज़रूरत है ना केक की, मतलब दोनों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि आप इसी के फ़ैन हो जाने वाले हैं। तो ऐसी ही यूनिक रेसिपीज़ को सिंपल तरीके से देखने के लिए मेरे चैनल को सिंपलीफाई और कुकिंग को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, उसके पास वाला बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूज़डे को, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय।